हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, रमेश फिल्ड अ ग्लास बीकर विद आइस कोल्ड वाटर। तो रमेश ने एक ग्लास बीकर था, उसको जो है वो बहुत ज्यादा ठंडे पानी से, आइस कोल्ड वाटर है ठीक है, उससे भर दिया। एंड ऑब्जर्व दैट द वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द बीकर, और ऑब्जर्व किया कि बीकर के बाहर जो है वो पानी की कुछ जो है वो बूंदे जो है वो लगी हुई है। रमेश हाइपोथेसिस अबाउट दिस फिनोमिनन वाज दैट देयर माइट बी होल्स इन द ग्लास बीकर। तो रमेश ने जो है वो सोचा कि इसके बाहर, ग्लास के बाहर, मतलब कि बीकर के बाहर जो है वो छेद होगा, जिससे कि पानी जो है वो बाहर आ रहा है। टीचर जो है उन्होंने इसका जो मिसकंसेप्शन है उसको रिमूव किया, एक्सप्लेन किया उनको रीजन ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो क्या रीजन टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा कि कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर हॉट एयर ऑन लेस हॉट बीकर। ठीक है, देखो बच्चों क्या हुआ, जब रमेश ने बीकर में बर्फीले ठंडा पानी डाला है ना, तो बीकर की जो सतह थी वो ठंडी हो गई, और इसके कारण जो आसपास की जो गर्म और नम हवा थी वो बीकर की ठंडी सतह से संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो हवा जो है वो उसके संपर्क में आई और वो ठंडी हो गई। जब हवा ठंडी हुई तो इसमें मौजूद नमी जो है वो ठंडे बीकर की सतह पर जो है वो कंडेंसेशन जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो गया, संघनित हो गई यानी, ठीक है, और पानी की बूंदें बन गई। और ये प्रक्रिया जो है ना, ये हमें जो है वो सुबह के टाइम में जो ओस बनने की, ओस बनती है ना जो लीव्स पर, उस पर भी यही प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाबी मीडियम वालों के लिए जो है वो इसका आंसर किया है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कि वध गर्म हवा दी नमी दा कट गर्म बीकर दे संघनन। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि वाटर इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। ठीक है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे और फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये ए बीकर है, ये बी है और ये सी है वेसल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट ऑफ वाटर इन वेसल ए बी सी। तो 0 डिग्री पे पानी क्या होगा, जम जाएगा, तो ए जो है वो सॉलिड होगा, है ना, ये सॉलिड हो जाएगा। 100 डिग्री पर पानी बॉइल होगा तो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सी है 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें लिक्विड में रहेगा ये। ठीक है, तो सॉलिड, गैस और लिक्विड, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ए जो है वो ठोस रहेगा, बी जो है वो गैस रहेगी, अतः सी जो है वो द्रव रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा गया है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 विजिटेड अ प्लेस वेयर द टेम्परेचर ऑलवेज राइज बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो 6th क्लास के स्टूडेंट जो है वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली जो है वो 10 टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ वाटर एट दिस प्लेस। तो पानी जो है वो यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, तो देखो 10 टू 25 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर लिक्विड टेम्परेचर, मतलब लिक्विड जो है यानी कि जो द्रव है उसी स्टेट ऑफ मैटर में जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्टिविटी अथर्व एडेड ऑयल टू वाटर। तो एक्टिविटी कर रहा था अथरा, उसने क्या किया, पानी में तेल डाला। ठीक है, कुछ टाइम बाद जो है जो तेल की लेयर थी वो सेपरेट हो गई। ठीक है, तो इसके लिए रीजन जो है वो क्या रहा होगा, तो ऑयल जो होता है वो पानी में अघुलनशील होता है ना, इनसॉल्युबल है, और इसके अलावा जो तेल है वो ठंड, मतलब कि पानी के कंपेरिजन में जो है वो हल्का भी होता है, तो दोनों ही इसके कारण रहे होंगे। ऑप्शन जो है वो 1, 2 में, ठीक है, ये सही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्व्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो एक एस्ट्रोनॉट है, उन्होंने एक ब्लू प्लैनेट जो है वो देखा आसमान में, जो ब्लू, वो ब्लू कलर का है ना ये प्लैनेट, और ये किस वजह से है, क्योंकि 3/4 अमाउंट जो है इस पे पानी है। तो ये जो ब्लू प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है, अर्थ यानी कि धरती। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस। पानी जो है वो कौन से दो गैसेस को मिलाकर बनाया जाता है। तो वाटर जो है H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर क्लास टीचर क्लीन द ब्लैक बोर्ड विद अ वेट क्लोथ। हमारी टीचर ने ब्लैक बोर्ड जो है वो एक गीले कपड़े से साफ किया, थोड़ी देर बाद वो सूख गया, तो कौन से फिनोमिना जो है वो यहाँ पर हुआ होगा, तो यहाँ पर एवोपरेशन हुआ है। ठीक है, तो एवोपरेशन किस तरीके से हुआ, जब ब्लैक बोर्ड को गीले कपड़े से साफ किया गया है ना, तो कपड़े से पानी जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लग गया,
और टाइम के साथ साथ जो है वो ब्लैक बोर्ड पर जो मौजूद पानी था वो एवोपरेट हो गया हवा में, ठीक है, और इसलिए ब्लैक बोर्ड जो है वो सूख गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो पानी बॉइल जो है वो कौन से मतलब कि टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर फ़ारेनहाइट में दिया होता तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th जो हमें दिया गया है वो है, राजेश वंडर्ड व्हाई फिशेस आर नेचुरली एबल टू ब्रीथ इन वाटर। तो राजेश बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि फिशेस जो है वो पानी में कैसे सांस ले सकती है जबकि इंसान तो नहीं ले सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प फिशेस टू ब्रीथ इन वाटर। तो फिशेस को कौन सा ऑर्गन जो है वो पानी के अंदर सांस लेने में हेल्प करता है, आंसर है गिल्स, गलफेड़ी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू केरला रशपाल सॉ व्हाइट सॉल्ट फील्ड। तो केरला जा रहा था रशपाल, ठीक है, उन्होंने रास्ते में जो है वो देखा कि नमक के खेत हैं। उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि दिस सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, कि ये जो नमक है ये समुद्र के पानी से बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी। तो कौन सा प्रोसेस इसमें से इस्तेमाल हुआ है, एवोपरेशन, ठीक है। अब एवोपरेशन जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर देखो, जब समुद्र के पानी को इकट्ठा करते हैं तो क्या होगा, जो वो नमक है उसमें से पानी सारा एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, और जो है वो नमक जो है वो बच जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉटर ड्वेलिंग प्लांट। तो वॉटर ड्वेलिंग प्लांट को हम लोग एक्वेटिक प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट जो है वो पानी में जो है वो उगते हैं वो आपने बताना है। तो इसमें से सिर्फ लोटस जो है यानी कि जो कमल है इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा जीव है जो कि पानी में रह सकता है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल भी रह सकता है, फ्रॉग भी रह सकता है, डॉल्फिन भी रह सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13th है, द टीचर एक्सप्लेन्ड इन क्लास दैट आइस इज लाइटर देन वाटर। तो टीचर ने क्लास में समझाया बच्चों को कि जो बर्फ है वो पानी से हल्की होती है, और इसलिए इफ आइस पीसेस आर मिक्स्ड इन वाटर, अगर बर्फ के टुकड़े जो है वो आप जो है उसमें डाल देते हो पानी के अंदर, ठीक है, तो क्या पॉसिबल होगा। तो अगर जो है वो बर्फ हल्की है तो वो तैरेगी, है ना, तो आइस विल फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि बर्फ पानी विच तैरेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14th है, द टू ओपन कंटेनर ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ पेट्रोल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। तो मान के चलते ए में पेट्रोल है और बी में वाटर है, ठीक है। इसके बाद है, आफ्टर अ वाइल अमाउंट ऑफ पेट्रोल एंड वाटर डिक्रीजेस। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो भी कम हो गया, पानी भी कम हो गया। तो कौन सा फिनोमिना जो है वो यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर एवोपरेशन हुआ है, ठीक है, पानी और जो पेट्रोल है वो एवोपरेट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस ड्यू ड्रॉपलेट्स ऑन द लीफ इन द मॉर्निंग। तो सुबह के टाइम में हम देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर जो है वो बूंदे पड़ी होती है ना, तो वो किस वजह से होता है, तो ये कंडेंसेशन की वजह से होता है, यानी कि संघनन कारण जो है इसका, संघनन कारण जो है वो इसका रीजन है। तो देखो रात के समय क्या होता है, तापमान जो है वो कम हो जाता है और जमीन के करीब की हवा जो है वो ठंडी हो जाती है ना, जमीन के आसपास की हवा ठंडी हो जाएगी। जब हवा का तापमान जो मतलब कि ओस बिंदु तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो जो हवा में मौजूद नमी है वो छोटे छोटे बूंदों में बदल जाएगी और पत्तियों, घास या जो दूसरी जो जगहें हैं, ठीक है, तो वहां पर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, तो इसको जो है वो संघनन कारण कहते हैं। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।